बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी अच्छी गुजर रही होगी। सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो पार्ट फोर के साथ हाजिर हूँ, जहाँ से हमने लीव किया था पार्ट थ्री, वहीं से हम पार्ट फोर को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। नियाग्रा फॉल का नाइट व्यू है, यहाँ चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत है। लाइट जो है यहाँ पे वो डिफरेंट कलर की जो है वो जलाई जाती हैं। रात में आप मंजर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है नियाग्रा फॉल का। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैंने व्लॉग ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके मेरे चैनल से लास्ट व्लॉग जो है वो देख लें। ये ट्रेन के ज़रिए, यानी कि ट्रेल थी, लिफ्ट थी जो जिसके ज़रिए हम नीचे गए थे। और आप देख सकते हैं हम ऊंचे हैं, यानी कि हाइट जो है ऊंची है होटल्स की, और जो नियाग्रा फॉल है वो आपको नीचे की तरफ जो है वो दिखाई दी है। तो रात में कुछ ऐसा मंजर है जो अभी आपने देखा है। और ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जहाँ अब हम जा रहे हैं नियाग्रा फॉल, यानी नियाग्रा सिटी का जो फ्लोरल पार्क है वहाँ विज़िट करने, क्योंकि आई थिंक ये फाइव सिक्स जो विजिटिंग की प्लेस थी वो इंक्लूड थी इस पैकेज में। और वो मैं आपके साथ साथ शेयर करती जा रही हूँ कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं साथ। तो आप मेरे साथ ये व्यू सारा नियाग्रा सिटी का देखते जाएं और इन्जॉय करें। और ये जो आप देख रहे हैं, आई थिंक ये टॉप व्यू करके कुछ है बिल्डिंग का नेम, जहाँ से नियाग्रा फॉल का बड़ा अच्छा टॉप से व्यू आता होगा। और ये बिल्डिंग हम देख रहे थे, आई थिंक 50+ ईयर्स पुरानी बिल्डिंग ये लग रही थी, बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स थे ये। तो हम भी जाते जाते सारे नज़ारे जो थे नियाग्रा सिटी के कर रहे थे। नियाग्रा फॉल्स भी पूरे रास्ते में हमें नज़र आती गई और आपको भी नज़र आती रहेगी। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी हमने आना था लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम जो थे यहाँ पे वॉक नहीं कर सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी सेहत रही तो फिर दोबारा से इसका विज़िट करेंगे नियाग्रा फॉल का। और जो बाकी जो हमारी राइड्स वगैरह रह गई हैं, हमारा क्रूज़ रह गया है जो बोट पे करते हैं, वो बड़ा स्पेशल था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह जब विज़िट होएगा नियाग्रा फॉल का तो ज़रूर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और जो नए व्यूअर्स अभी मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक मोटिवेशन होती है, वीडियो को लाइक किया करें, एक अप्रिसिएशन होती है, और बेल आइकन का बटन होता है राइट साइड पे, इसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। आप देख सकते हैं इस नियाग्रा फॉल को कितनी खूबसूरत लग रही है। $20 पार्किंग है, अनलिमिटेड। और यहाँ पर हमें पार्किंग लगानी पड़ी, $20 यहाँ पर हमने पार्किंग के पे किए थे और अनलिमिटेड लिखा हुआ था उस पार्किंग पे। और उसके बाद जो था हम फ्लोरल जो शो हाउस था वहाँ पे हम जाने लगे हैं, अंदर एंटर होंगे आप देखेंगे कि कैसा फ्लोरल जो शो हाउस है वो मैं आपको शो कराऊंगी और आप देखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे। फुल वॉकिंग टूर अंदर आपने ज़रूर एंड तक ये व्लॉग देखना है, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इंजॉय करेंगे मेरे इस व्लॉग को। बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू था अंदर से, और बड़ी ही नेचुरल जो खुशबू आ रही थी फूलों की वो आ रही थी। एक बात यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो नियाग्रा का फ्लोरल शो हाउस है, दुबई ने भी बनाया हुआ है मायरकल गार्डन करके। ये तो बहुत छोटा सा है, दुबई में बहुत बड़ा है। लेकिन उसमें जो खुशबू है इस तरह फूलों की नहीं आती जैसे यहाँ पे आई थी। ये छोटा सा था फ्लोरल शो हाउस, इतना बड़ा ये स्पेस में नहीं उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन इनकी खुशबू थी फूलों की बहुत ही नेचुरल थी और बहुत अटेम्प्ट कर रही थी, अपील कर रही थी, और मज़ा आ रहा था इस खुशबू को इंजॉय कर रहे थे हम। लेकिन मायरकल गार्डन जो दुबई में इतने ज़्यादा पैसा लगा के बनाया गया है, बहुत देखने में खूबसूरत है, लेकिन उसमें खुशबू फूलों की ऐसे फ्रेश नहीं होती उससे कंपेयर किया जाए तो। तो आइए देखिए मेरे साथ अंदर सारा विज़िट करें और इन्जॉय करें मेरे इस व्लॉग को। और यहाँ पर बहुत ही अटेम्प्टिंग उन्होंने जो फ्लोरल से रिलेटेड चीज़ें थी वो बनाई हुई थी, बैग्स थे, डेकोरेशन पीस थे, स्कार्फ इतने खूबसूरत और इतने प्रिटी कलर थे स्कार्फ में, तो मुझे जो स्कार्फ थे वो बहुत अपील किए तो मैंने वहाँ से परचेज़ भी किए। इसके अलावा मग्स थे बड़े ही प्यारे। Two greenhouses. It's the orchids and then another tropical house. And then outside, that's where
और यहाँ पर हमें पास स्कैन करवा के अंदर जाना था, तो वो हमने स्कैन करवाया अंदर के। हर चीज़ बड़ी अपील कर रही थी, की चेन्स थे, इसके अलावा मैग्नेट्स थे जो हम फ्रिज में लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। टूरिस्ट के लिए ये बेस्ट प्लेस है ये भी, तो ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें। तो इस प्लेस पे भी मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने इन्जॉय किया इस प्लेस में, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन्जॉय करेंगे। स्पेशली जिनको फूलों से बड़ा प्यार है और वो पौधों से बड़ा प्यार करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। जाएँ और इस कुदरती जो खूबसूरती है फूलों की, उसको वहाँ जाके एंजॉय करें। Yes, but they look like statues, but they're real. No, it's not even real. और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरल शो हाउस एंट्रेंस ने कितना खूबसूरत प्रीटी लग रहा है देखने में भी, और इतनी प्यारी कॉम्बिनेशन थी जो फ्लावर्स की थी यहाँ पे, और इतनी खूबसूरत जो खुशबू थी फूलों की वो आ रही थी, और इतने अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, क्लीन, नीट एंड क्लीन, और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स भी लगाए हुए थे पॉट्स में, जैसे कि स्नेक का प्लांट था, और इसके अलावा एलोवेरा और ऑरेंज का ट्री आप देख सकते हैं, मिनी ट्री, बड़ा ही अपील कर रहा था यहाँ पे। और जो जो प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए थे पॉट्स में, सबके नेम लेबल थे प्लांट्स के कि क्या क्या नेम है इनके। और इसके बाद जो थी प्लेस वहाँ जहाँ हमने जाना था, वो बटरफ्लाई कंजर्वेटरी था, वहाँ पर हम जाएँगे क्योंकि वो यहाँ से आई थिंक 20 मिनट्स की ड्राइव थी। इंशाल्लाह जल्दी वो व्लॉग अपलोड हो जाएगा, तो आपने ज़रूर बेल आइकन का बटन राइट साइड पे जो होता है उसको क्लिक कर देना है, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब फ्लोरल शो हाउस के बाद हम बाहर जाएंगे जो नेगरा पार्क है, वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने क्या अट्रैक्शंस लगाई हुई हैं और वो पार्क कैसा है। और जी यहाँ पे हम जो है वो फ्लोरल शो हाउस से बाहर आ गए हैं, और ये देखिए उन्होंने पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं, गमले वगैरह। और यहाँ पे जब हम पार्क में आए नेगरा पार्क में, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले में देखा इतने प्यारे से हर्ट से उन्होंने जो लगाए हुए थे पोल पे, और यहाँ पे मैप भी यहाँ पे लगा हुआ था, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये जो हर्ट्स वगैरह बनाए हुए थे इसके साथ उन्होंने कोई लेबल नहीं लगाया हुआ था कि क्या हिस्ट्री थी, लेकिन पुराने पुराने हाउसेज लग रहे थे कि ये बहुत पुराने पुराने हाउसेज हैं, आगे जाके आप देखेंगे। और दिखने में ये मॉडल्स वगैरह जो थे बड़े ही प्यारे लग रहे थे, रात में या इवनिंग में इसकी लाइट्स वगैरह ऑन होती होंगी, क्योंकि हम दिन में आए थे, हमने दिन में विज़िट किया था तो लाइट्स वगैरह नहीं थी, रात में जब लाइट्स वगैरह शाम में ऑन होती होंगी तो ये ज़्यादा अपील करते होंगे, तो इस टाइम में तो थोड़ी सी जो हिस्ट्री थी इसकी समझ नहीं आई, लेकिन बने हुए ये क्यूट लग रहे थे। और
और यहाँ पर जी हमारा जो विज़िट है फ्लोरल शो हाउस का और नेगरा पार्क का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इधर आए हैं, अब हम कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। स्कार्फ देखिए हमने, वो हमें पसंद आए हैं, वो हम यहाँ से बाय करेंगे। दोनों में अच्छी है सर। I'm indecisive. Where do you want the red one? Christmas tree. Which one? Do you want the red one? Where do you want this? उम्मीद करती हूँ कि नेगरा सिटी में ये आपको फ्लोरल जो शो हाउस था ये पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। और जल्दी से जो अभी जुड़े हैं न्यू मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेरे न्यू व्यूअर्स से कि अगर आपको इस पैकेज का पता करना है नेगरा सिटी में, नेगरा फॉल्स में, कि हमने कितने का परचेज़ किया, तो हमारे लास्ट ब्लॉग जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो देखें। उसमें सारी डिटेल अवेलेबल है कि हमारा होटल पे कितना खर्चा आया, वन नाइट का हमने कितना रेंट पे किया, फूड पर हमारा कितना खर्चा आया, और ये जो पैकेज लिया ये हमने कितने का बाय किया। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहें, जो हमने विज़िट करना है बटरफ्लाई कंजर्वेटरी में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।